हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल। और दोस्तों, आज का वीडियो जो है लोकेशन शेयरिंग से रिलेटेड है। इसका मतलब ये होता है कि गूगल मैप के द्वारा हम लोकेशन शेयर करके किसी के पास भी बहुत ही आसानी से कैसे पहुंच सकते हैं। आए दिन हम लोग को ये लोकेशन की ज़रूरत पड़ती है, किसी के पास जाना हो आना हो, तो ये बहुत ही आसान बना देता है इस चीज़ को। तो फ्रेंड्स, हम जान कैसे शेयर करते हैं, आज के वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। और कंडीशन एक ही होनी चाहिए कि आपके मोबाइल में गूगल मैप इंस्टॉल्ड होना चाहिए और साइन इन होना चाहिए, लॉग इन होना चाहिए आपके मोबाइल में। तो फ्रेंड्स, सब चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पे, और वीडियो को आप लोग पूरा देखना ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। अगर वीडियो आप लोग अधूरा देखोगे तो समझ में नहीं आएगा। तो चलिए चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पे और दिखाते हैं कि कैसे लोकेशन को शेयर करते हैं। फ्रेंड्स, लोकेशन हम दो तरीके से शेयर कर सकते हैं, एक तो व्हाट्सएप के द्वारा और दूसरा डायरेक्ट गूगल मैप के द्वारा। तो हम सबसे पहला तरीका बताते हैं आपको व्हाट्सएप के द्वारा। तो चलते हैं व्हाट्सएप पे। ये मैंने अपना व्हाट्सएप ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद फ्रेंड्स, हमें जिस भी व्यक्ति के पास लोकेशन अगर भेजना होगा तो हम क्या करेंगे, पहले उसका व्हाट्सएप खोल लेंगे। खोलने के बाद फ्रेंड्स, सबसे पहला काम हमें क्या करना है, ये आप नीचे देख सकते हैं, फाइल मीडिया का एक बटन दिया हुआ है, इस पर हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हम ये लोकेशन पे क्लिक करते हैं। लोकेशन दिख रहा होगा आपको, ये लोकेशन पे हमने क्लिक कर दिया। फ्रेंड्स, अगर आप किसी के पास लोकेशन शेयर कर रहे हैं तो वो दो तरीके से शेयर होता है। एक लाइव लोकेशन होता है, ये शेयर लाइव लोकेशन, और दूसरा होता है ये सेंड योर करंट लोकेशन। तो हम पहले आपको बताते हैं कि लाइव लोकेशन को कैसे शेयर करते हैं। तो फ्रेंड्स, लाइव लोकेशन को पे अगर हम क्लिक करते हैं तो देखिए ये लाइव लोकेशन खुल गया। और फ्रेंड्स, लाइव लोकेशन का मतलब ये होता है, इसमें टाइमिंग मिलता है 15 मिनट। आप देख सकते हैं ये 15 मिनट, ये 1 आवर और ये 8 आवर। तो फ्रेंड्स, अगर हम उस किसी भी व्यक्ति के साथ अगर 15 मिनट के लिए अगर लोकेशन शेयर करते हैं, लाइव लोकेशन अगर शेयर करते हैं ये, तो 15 मिनट तक हम अगर उस जगह से हट भी जाएं तो बंदा, अगला बंदा लोकेशन ट्रैक करके हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि वो लाइव लोकेशन है। मैं जहाँ भी जाऊँगा तो जिसको भी आप भेजेंगे वो लोकेशन ट्रैक करके हमारे पास आ जाएगा। लेकिन 15 मिनट के बाद जो भी आप टाइमिंग सेट करेंगे, 15 मिनट, 1 आवर या 8 आवर, जो भी आप टाइमिंग सेट करें, तो 15 मिनट या 1 आवर के बाद अगर हम वहाँ से हटते हैं तो वो बंदा हमारे तक नहीं पहुँच पाएगा। लाइव लोकेशन का यही मतलब होता है। तो फ्रेंड्स, इसके नीचे आप देख सकते हैं ऐड ए कमेंट लिखा हुआ है। कमेंट में हम कुछ भी लिख सकते हैं, रूट के बारे में, या आप कुछ भी डायरेक्शन उसको दे सकते हैं, कहाँ से मुड़ना है, कैसे आना है, कुछ अगर लिखना हो, आप मैसेज देना हो तो आप मैसेज दे सकते हैं उसको। चलिए, मैं इसको भेज देता हूँ। मैंने ये ग्रीन बटन पे क्लिक करके और मैंने उसको भेज दिया, तो ये लोकेशन उसके पास चला गया। अब फ्रेंड्स, हमने, आप देख सकते हैं, मैं यहाँ टाइमिंग दिखा रहा है, ये 7:32, 7:32 हमने इसको 7:32 पे भेजा है, और वो हमें कितनी देर तक ट्रैक कर सकता है ये आप देख सकते हैं, 8:32, मतलब कि 8:32 तक हमें वो ट्रैक कर सकता है, मेरे पास आ सकता है। मैं यहाँ हूँ तब भी, यहाँ से 1 किलोमीटर अलग हट जाऊँ तब भी, जहाँ मैं जाऊँगा उसको लोकेशन मिलता रहेगा। वो है, ये स्टॉप शेयरिंग पर क्लिक करके आप यहीं से स्टॉप शेयरिंग स्टॉप कर सकते हैं इसको। हमने इसको स्टॉप कर दिया। ये तो हो गया फ्रेंड्स हमें लाइव लोकेशन का। अब हम चलते हैं करेंट लोकेशन। फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं करेंट लोकेशन पर। करेंट लोकेशन हम कैसे शेयर करते हैं, फिर से हम व्हाट्सएप पे जाएंगे। व्हाट्सएप पे जाने के बाद जिस बंदे के पास हमें भेजना है उस बंदे का व्हाट्सएप खोल लेंगे। खोलने के बाद फ्रेंड्स, फिर वही प्रोसेस है, हम ये फाइल मीडिया पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप ये लोकेशन देख सकते हैं। लोकेशन पर हमने क्लिक किया। लोकेशन पर क्लिक करने के बाद ये आप देख सकते हैं सेंड योर करेंट लोकेशन। हम सेंड योर करेंट लोकेशन पे अगर करेंगे, ये देख सकते हैं आप, उसके पास लोकेशन चला गया। अब वो बंदा
जो हमारा ये खोलेगा लोकेशन, तो मैं अभी या 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा या 4 दिन बाद या 4 महीने बाद, जब भी वो बंदा खोलेगा ये, जब भी आना चाहेगा, तो हमारे इस लिंक पर, हमारे इस भेजे गए लोकेशन पर क्लिक करके ट्रैक करके हमारे पास चला आएगा। जैसे एक बंदे ने हमारे पास भेजा हुआ है, देखिए आप देख सकते हैं, ये मैं एक ये है मेरा, ये मैं इस पर क्लिक करता हूँ, उसने लोकेशन मेरे को भेजा है, तो आप देख सकते हैं ये दिखा रहा है डायरेक्शन, देख सकते हैं आप यहाँ से क्लिक करके डायरेक्शन, ये आप देख सकते हैं, ये डायरेक्शन आपका दिखा रहा है, ये आप ऐसे जूम करके आप डायरेक्शन देख लीजिए। और साथ ही साथ अगर आपको वहाँ जाना है तो आप देख सकते हैं यहाँ टाइम भी दिखा रहा है 16 मिनट, यहाँ डिस्टेंस दिखा रहा है आपका 7.7 किलोमीटर, और यहाँ से आप अगर जाना चाहते हैं तो यहाँ से स्टार्ट पर क्लिक कीजिए। स्टार्ट पर क्लिक करने के बाद आप जो है अपने मोबाइल को, बाइक या गाड़ी जो भी है, स्टैंड में लगाकर आप उसके पास जा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये हो गया हमारा करंट लोकेशन। ठीक है फ्रेंड, अब एक चीज़ और आपको बता दूं फ्रेंड्स, करंट लोकेशन में, लाइव लोकेशन में आपको एक चीज़ देखने को मिलेगा। जैसे आप ये लाइव लोकेशन पे जो आपने भेजा है उसके पास, जैसे यहाँ तो लाइव लोकेशन एंड हो गया है, मैं फिर से एक बार एक चीज़ और आपको बता देना चाहता हूँ। इसमें मैंने इसके पास लाइव लोकेशन भेज दिया, ये मैंने लाइव लोकेशन भेज दिया। लाइव लोकेशन भेजने के बाद फ्रेंड्स, जैसे ये तो हमारे मोबाइल में हमारे स्क्रीन पे ऐसा दिख रहा है, मैं यहाँ से स्टॉप भी कर सकता हूँ इसको। जब आप यहाँ पे, मैं मान लीजिए मैंने आपके पास भेजा है लोकेशन, तो आप जब यहाँ पे क्लिक करोगे इस पे, जब यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ दिखाएगा आपको कितना मीटर दूर हो आप, और साथ के साथ वो बंदा भी अगर चाहेगा तो यहाँ पे क्लिक करके, और साथ के साथ वो अपना भी लोकेशन मेरे पास भेज सकता है हैंड टू हैंड, और एक दोनों को दूसरे को यहाँ पे क्लिक करके आप एक दोनों आदमी एक दूसरे को देख सकते हो कि आप कितना दूर हो, कौन सा रूट है आने जाने का, कैसे वहाँ तक पहुँचा जाए। तो ये था आज का वीडियो फ्रेंड्स। बहुत लोग यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं और बताते हैं कि ऑनलाइन किसी का भी लोकेशन शेयर ट्रैक करो, ट्रेस करो, लेकिन फ्रेंड्स ऐसा कुछ नहीं होता। लोकेशन आपका केवल वही व्यक्ति से ट्रैक कर सकता है, जैसे कि मान लीजिए कोई सरकारी डिपार्टमेंट है, सरकारी एजेंसियां हैं, वही बंदा आपका लोकेशन ट्रैक करके आप तक पहुंच सकता है। उसके अलावा अगर कोई एप्लीकेशन आपसे आपसे लोकेशन की परमिशन अगर मांगता है अलाउ करने के लिए, तो वो एप्लीकेशन आपका लोकेशन ट्रैक कर सकता है, ट्रैक करके आपके पास पहुंच सकता है। या तो फिर आप अगर किसी के साथ लोकेशन शेयर करते हैं तो वो बंदा पहुंच सकता है, बाकी कोई रास्ता नहीं होता फ्रेंड्स लोकेशन, किसी का भी लोकेशन ट्रैक करने का। बस इन्हीं 3 रास्तों से ही आप किसी का भी लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है ट्रैक करने का। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आज हम यहीं पे एंड करते हैं, और फ्रेंड्स वीडियो अगर समझ में आया हो आपको तो फॉलो ज़रूर करना, सॉरी यार सब्सक्राइब ज़रूर करना, और बेल नोटिफिकेशन को ऑन ज़रूर करना, ताकि हम भी मोटिवेट हों। आप लोग अगर हमें सपोर्ट करोगे तो हमें मोटिवेशन मिलती है। और फ्रेंड्स कोई भी कमेंट हो या कोई भी क्वेरी हो तो हमें ज़रूर कमेंट करना, ताकि मैं उसका रिसोल्यूशन दे सकूँ आपको।